जिक्र इनके नाम से कर सकते हैं। मैन पावर की बहुत कमी है हमारे यहाँ, वर्कर की कमी दर्शाई है। सरकार जो है वो सारा ध्यान सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर देती है, उसको बहुत सारा पैसा दिया जाता है, लेकिन राज्य विश्वविद्यालयों को पैसे नहीं दिए जाते, जिसके कारण कि हमारे यहाँ ना तो कर्मचारी हैं, ना सही से शिक्षक हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। मान लीजिए कि कंप्यूटराइज रहता है, सब चीज़ रहता है, तो ज़्यादा जल्दी जल्दी होता हमारा काम, ये सारी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। दक्ष कर्मचारी का अभाव है, जो है भी तो इतने दक्ष नहीं है, योग्य नहीं है, और कम भी है, संख्या में भी कम है। इसी से अफिलेटेड कॉलेज भी हैं, तो यहाँ पर कुछ अच्छा भी है, कॉलेजों में और ज़्यादा और ज़्यादा इससे भी ज़्यादा करप्शन, बहुत बड़ी बात है। करप्शन भी है कुछ बहुत स्तर पर, टीचर्स के अयोग्य होना भी, ये भी दिक्कत है, कई दिक्कत है मतलब। लेकिन ये इतना ऐसे रेपुटेशन बन गई है कि भाई 3 साल की बजाय 4-5 साल आराम से जाएंगे ग्रेजुएशन या डिग्री, ये सब ये भी बड़ी एक समस्या है, एक रेपुटेशन बन गई है। तो पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ के बिहार के प्राय सभी यूनिवर्सिटी का ही आ रहा है, उसके पीछे ये सब कारण है। और अभी सेमेस्टर सिस्टम जो लागू किया गया, तो मान लीजिए कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लागू है, आप उसको राज्य यूनिवर्सिटी में भी दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। अब जैसे हम जब 1 साल में एग्जाम लेते थे, तो उसका हमको रिजल्ट देने में 3-4 महीने लगता है, अब 6 महीने करके हम एग्ज़ाम लेंगे, फिर हमको कितना टाइम लगेगा, थोड़ा और टाइम लग रहा है, इसलिए भी विलम्ब हो रहा है। आपका नाम सुना जी? मेरा नाम फिलांशी से कर लिया। आप यहाँ पे मैं फिलोसफी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर, आपके नाम से लिख सकते हैं वो, आप ऐसे लिख लीजिए ना, ऐसे लिख देंगे जी, वो भी लिख देना होगा तो दे दीजिए, जनसंपर्क पदाधिकारी जनसंपर्क यहाँ पर जी, यारों का काम देखता हूँ।